आइए रुख करते हैं अब अगली खबर का। आरक्षण पर संघ के प्रचार प्रमुख के बयान पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम पार्टियों ने बीजेपी को चेतावनी दी कि जबकि संघ ने यूटर्न लेते हुए कह दिया कि वो आरक्षण के शुरुआती समर्थकों में से एक हैं। संघ ने बिहार चुनाव से पहले भी ऐसा ही बयान दिया था। डॉक्टर आंबेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का स्थान समय आना चाहिए, ये जो उन्होंने कहा है। कुछ वैसी ही बात निकल गई उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जैसी बिहार चुनाव से पहले संघ के मुंह से सरक गई थी। तब बोलने वाले भागवत थे, अब वैद्य हैं। लेकिन वैद्य जी के इस बयान से बीजेपी के राजनीतिक रूप से बीमार पड़ने का खतरा मंडराने लगा है। मायावती ने कहा है अगर बीजेपी ने आरक्षण छोड़ा तो राजनीति छूट जाएगी। यदि ये लोग संसद में ऐसा कुछ हरकत करते हैं और इनके आरक्षण को खत्म करने के लिए कानून बनाते हैं, तो यदि ऐसा करते हैं तो इनके लिए फिर दिन में ये तारे देखने के ही समान होगा। तब फिर इन वर्गों के लोग इनको यहाँ हमेशा हमेशा के लिए राजनीति करना भी जरूर भुला देंगे। हालांकि बयान के साथ ही स्वाभाविक रूप से बवाल बढ़ा और संघ को सफाई भी देनी पड़ी। संघ के प्रचार प्रमुख ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। वैसे उनका बयान विवादों के घूरे में चिंगारी डाल चुका है। अब सुलगाने वाले फुकनी लेकर पीले पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले इन्होंने फिर इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आज इसका खमियाजा इनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में भोगना पड़ेगा। यही तो बात बिहार चुनाव में ही लाए थे, जाना पड़ा इनको, खाली पैर जाना पड़ा। वही हाल यूपी में भी होगा, वही हाल की उससे बुरा हाल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और उनके समर्थकों को ये जानकारी मिल जाना चाहिए कि भारत जो है वो आरक्षित लोगों का है। 80% रिजर्वेशन में आते हैं और सच जो है वो बिहार के चुनाव के पहले भी निकल गया था और आने वाला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें भी ये मुद्दा अहम मुद्दा हो जाएगा। आरक्षण खत्म करने का जो भी बयान देगा उससे हमारी असहमति होगी होगी, क्योंकि आरक्षण की वजह से मैं संसद में पहुंचा हूं। आरक्षण न होता तो मैं संसद में नहीं पहुंच सकता हूं। मैं संसद में बोला हूं तो कोई भी बोले, अगर कोई भी बोले, अगर मेरा बाप भी बोले तो मैं असहमत होगा कि आरक्षण खत्म हो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की जीत या हार इसी बात से तय होगी कि उन्हें आरक्षित वर्ग का वोट कितना मिलता है। इस बयान के बड़े खतरे हो सकते हैं। इसी बात का एहसास तो खुद संघ को भी है, जिसके लिए उसे एक नहीं तीन तीन बार सफाई देनी पड़ी। यूपी का पूरा चुनावी चक्रव्यूह आरक्षण के साथ गुथा हुआ है। उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित आबादी है, करीब 45% ओबीसी हैं, 19% मुस्लिम आबादी है, 13% ब्राह्मण हैं और करीब 7% ठाकुर। उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण पहले ही उलझे हुए हैं। ऊपर से इस बयान ने बीजेपी के सामने चुनौतियां बड़ी कर दी हैं। बिहार में भी संघ के इस बयान से बीजेपी बुरी तरह फंस गई थी, जो बाद में 100 स्पष्टीकरणों के बाद भी पार्टी को बचा नहीं सकी। आज तक ब्यूरो।